नमस्कार, हम लोग यहाँ पे कोनाक्री गिनी में वेस्ट अफ्रीका से बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे 200-250 इंडियंस लोग फंसे हुए हैं। हम लोग अभी फ़िलहाल में इंडियन एम्बेसी में आए हैं। ये इंडियन एम्बेसी है, ये अपना फ्लैग पीछे लहरा रहा है। हम लोग यहाँ पे एम्बेसी में काफ़ी बार बात कर चुके हैं लेकिन कोई अपडेट हमें आया नहीं है। हर समय हम लोग के ऊपर हम लोग को डेट्स मिलता है कि चलो हम लोग नेक्स्ट वीक में आए तो हम लोग को पता चलेगा। मेरा सिचुएशन ऐसा है कि मैं यहाँ से, मेरा 27 मार्च का रिटर्न टिकट था लेकिन जैसे फ़्लाइटें 22 तारीख को बंद हुई तो मैं जा नहीं पाया है। 45 डेज से रह रहा हूँ मैं, होटल में रह रहा हूँ। रोज़ का खाना पीना रहना वो तो एडिशनल पे करना ही है। काफ़ी गंदा सिचुएशन है यहाँ पे कोनाक्री में। ऐसा हालत है कि यहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं। इन लोग कुछ अवेयर नहीं है ये बातों में। इन लोग को कोरोना के लिए कोई पता नहीं है। इन लोग का मे बी इन लोग टेस्ट ही नहीं कर रहे इसलिए इन लोग का नंबर्स कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन जो भी, हम लोग सब इंडियंस हैं, हम लोग ने अपने अपने आप को घर पे क्वारंटाइन करके रखा है और हम लोग वो जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो प्रिकॉशन ले रहे हैं। लेकिन हम लोग का एक ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को यहाँ से एटलीस्ट इंडिया के लिए डिपोर्ट करने के लिए कोई सपोर्ट करे। मैं राहुल करे, ये काफ़ी मेरे फ्रेंड है। मी माई सेल्फ इज प्रदीप महाजन। मैं भी यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। मैं एक्चुअली अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाने वाला, 3 तारीख का मेरा टिकट था, रिटर्न टिकट, और मैं 2 महीने के लिए आया था यहाँ पे। लेकिन अभी मेरा काम कंप्लीट हो गया मार्च एंड में, लेकिन अभी तक मैं घर पे बैठा हुआ, लॉकडाउन में बैठा हुआ, सिर्फ फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं एम्बेसी में जाके पूछता हूँ तो एम्बेसी वाले बोलते हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं गवर्नमेंट से, तो इसलिए डिले हो रहा है। और मेरा घर पे 2 किड्स है, वाइफ अकेली है, तो उनका केयर करने के लिए कोई नहीं है और हमारे पैसे भी ख़त्म होते जा रहे हैं। और मेरा वीज़ा 30 तारीख तक है, 30 मई तक, वो भी ख़त्म हो रहा है। और मैं मेरा फ्रेंड बात करता हूँ, बात कीजिए। हेलो, मेरा नाम अविनाश है और मैं यहाँ पे, मतलब पिछले 2 महीने से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो और मेरे साथ कलीग्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास अब ना कोई जॉब है, कुछ भी नहीं है। हमारे पास जितने पैसे थे जो थे हम लोग कैसे कैसे करके चला रहे हैं, लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे जो हमने रखा था अपने पास वो भी ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पे आते हैं, इंडियन एम्बेसी वाले के पास आते हैं तो यहाँ से हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता कि यहाँ की कोई अपडेट है, कुछ भी नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं, कोई कुछ नहीं है। हमसे पहले फॉर्म बोला गया कि रजिस्ट्रेशन करो, हमने वो भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज एक लिस्ट आई है उसमें देखा तो यहाँ अफ्रीका का तो कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कम से कम भी 200-250 के आसपास लोग जो हैं वो हो चुके हैं जाने के लिए। तो अभी हम इधर एम्बेसी में आए हैं लेकिन यहाँ पे कोई है भी नहीं है। आज बोल रहे हैं कि हॉलीडे आप कर लाओ। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे हमारे साथ काफ़ी बंदे हैं यहाँ पे ऊपर एम्बेसी ऊपर ऑफिस के सामने खड़े हैं वो लोग भी, लेकिन हम लोग भी हैं यहाँ पे। और मेरे साथ में ये हमारे एक कलीग्स हैं जो आपको बताएंगे। हाय, मेरा नाम है सुदर्शन। हम लोग तो इंडिया जाना चाहते हैं लेकिन ये एम्बेसी वाले कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं अभी तक। मेरा भी काम सब बंद है, पैसा भी ख़त्म हो गया, अभी घर पे ही बैठ के कितने दिन रुक सकते, पैसे सब खत्म हो गए, हमारा हालत बहुत बेकार है। प्लीज़ कुछ तो आप कर लो, हम लोग का रिक्वेस्ट है।